वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल में निशु। बहुत दिनों के बाद आज जो पहली वीडियो मैं लेके आ रही हूँ वो भी ईद में। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको, और ये भी बताओ कि किस किस ने कितना कितना गोश्त खाया। एंड गोश्त खाने के बाद हमेशा मुझे पिंपल निकल आता है, आपको निकलता है कि नहीं निकलता? लेकिन उसका एक सोल्यूशन है जो कि मैं लेके आई हूँ, एक ऑर्गेनिक ब्रांड का रिव्यू करने में जा रही हूँ जिसका नाम है मिरेकल ग्लो। ठीक है, इसको मैं यूज कर चुकी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर सेटिस्फाइड ना होती तो ये मेरे चैनल पे मौजूद ना होता प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस ब्रांड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा थोड़ी जो भी है भाई बात करेंगे। चार प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कुछ है हेयर प्रोडक्ट्स, कुछ है स्किन केयर प्रोडक्ट, तो मैं आप लोग के साथ इनका रिव्यू शेयर करूंगी। अभी भी मेरे बाल जो है ना थोड़े थोड़े गीले हैं, मैंने इनको सिर्फ ब्लो ड्राई किया है क्योंकि क्लिप्स बना रही थी इस वीडियो को। ये एंट्रो बनाने से पहले जो है ना मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, फेस पे लगाया रिजल्ट दिखाया, बालों पे लगाया रिजल्ट दिखाया, वो अभी इसी वीडियो में आप लोगों को क्लिप नजर आएगी। चले भाई तो वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बोलने की तो मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि मेरी बहनों को पता है। ठीक है ना, तो ये आउटर पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से लगती है, कार्डबोर्ड डिजाइन में है। इसके अंदर है दो प्रोडक्ट, एक है मिरेकल ग्लो फेस पैक ब्राइटनिंग फेस एंड बॉडी मास्क विद 24K गोल्ड सीरम, जिसको आपने इस मास्क में ऐड करके यूज करना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई वो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। आपने लेना है एक बाउल और अपने फेस के हिसाब से, अगर आपने बॉडी पे भी यूज करना है तो 2-3 चम्मच ले लो, अगर सिर्फ फेस और नेक पे अप्लाई करना है और हाथों और पैरों पे अप्लाई करना है तो 2 चम्मच ले लो। ठीक है, उसके बाद जो है आपने ये 24K गोल्ड सीरम जो है उसमें 4 कतरे या 5 कतरे जितने आपकी स्किन ड्राई है उस हिसाब से डाल लो। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो, आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें हल्के गुलाब ऐड कर सकते हो, एंड फिर पानी ऐड करके आप ने इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है और अपने फेस पर अप्लाई कर देना है और 30 मिनट तक वेट करना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर सर्कुलर मोशन में आपने उसे मसाज करके धो देना है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि 24K गोल्ड सीरम जो है आप फेस धोने के बाद अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एक ड्रॉप, क्योंकि गर्मियां हैं बहुत ज्यादा तो आप एक ड्रॉप ही यूज करो, चाहे आप ऑयली है चाहे आपकी स्किन ड्राई है। बेसिकली मैंने अभी जो है ये यूज किया था, लेकिन मैं नॉर्मल रूटीन में जो है दूसरा ऑयल यूज करती हूँ, ये वाला नहीं। ये सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब मैं ये ग्लो मास्क यूज करती हूँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है। ठीक है, आपको फौरन पता लगेगा जब आप इसको यूज करोगे। ठीक है, आपके पोर्स को टाइट अप करता है, सबसे बड़ी बात आपके डार्क स्पॉट्स जो है ना उसको रिमूव करता है। तो मैं टोटली रिकमेंड करूंगी भाई इसको। जब मैं इसका पेस्ट बना रही थी ना, इसमें से सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब ये है कि इसमें सैंडलवुड पाउडर भी मौजूद है, ये 100% ऑर्गेनिक है और ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर एक बंदा और बंदी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक सीरम की बात है तो सीरम जो है आप अपनी बेस से पहले यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि गर्मियां हैं और सीरम यूज करने से अक्सर आपकी फाउंडेशन जो है वो फट जाती है। तो अगर आप ये यूज करना चाहते हो बेस से पहले या बेस में मिक्स करके, तो आप सर्दियों में डेफिनेटली इसको यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फाउंडेशन का। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि आप पेस्ट जितना थिक बनाओगे उतना ही वो आपके फेस से गिरता जाएगा, लेकिन अगर आप बेस जितनी पतली बनाओगे ना तो उतने ही मजे से अप्लाई होगी आपके फेस पे। तो मेक श्योर कि पेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा और थिक बिल्कुल भी ना बनाए, और इसको जो है ना हफ्ते में आप 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड सबसे जरूरी बात ये है कि ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है और इसमें ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि हार्मफुल हो आपकी स्किन के लिए। तो अब बात करते हैं इनके हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो आता है इनका हेयर ऑयल। सबसे पहले तो पैकेजिंग की बात कर लें, इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत और हसीन है। तो ये हेयर ऑयल कहलाता है इंटेंस ग्रोथ हेयर ऑयल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ठीक है, ये बालों को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, आपके स्प्लिट एंड्स को जो है वो स्प्लिट एंड होने नहीं देता। ठीक है, तो इसको यूज किस तरह से करना है, आपने इसको लगाना है अपनी स्कैल्प पे, जैसे कि अमूमन तमाम ऑयल्स हम लगाते हैं, अच्छे से मसाज करना है, 30 मिनट्स तक छोड़े रखना है रात, मतलब ट्रीटमेंट इसको ऐसे कहते हैं, जैसे हम तेल लगा के ना 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि भाई बाल तो ऐसे है कि दिन में लॉन्ग एंड स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने नहाने से 30 मिनट पहले इसको लगाना है। ठीक है, अच्छे से मसाज करना है, अगर हो सके तो एक गीला टॉवल लाइक
मतलब गर्म पानी में डुबो के गीले टॉवल को अपने बालों से लपेट लें, इतना अच्छा रिजल्ट मिलना है ना आपको कि आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। इसको यूज करने के बाद ना हेयर फॉल मेरा काफी रुक गया है, क्योंकि देखो भाई मैं हर वक्त डाई करती हूँ, हर वक्त मुझे जो है ना वो 4 हफ्ते बाद जो है वो मैं रूट टचअप्स करती हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी के मेरी बालों की ग्रोथ जो है, साथ में विटामिन भी ले रही हूँ मैं, वो कितनी अच्छी हो गई है, लाइक थोड़े से अच्छे हो गए नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मैं पूरी 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 कोशिश करती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक शैम्पू ही यूज करूँ और ऑर्गेनिक हेयर ऑयल ही यूज करूँ, सरसों का तेल, तारामीरा का तेल, जो भी आप लोगों को सूट करता है। हमेशा कोशिश करें कि अपने बालों को अच्छे से ऑयल करें नहाने से पहले। तो मैं टोटली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को ये वाला ऑयल, क्योंकि इसमें है जिंजर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रेड अनियन ऑयल, ठीक है। इसको लगाना है, 30 मिनट तक रखना है और फिर बालों को वॉश कर देना है। कोई भी आप शैम्पू यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको शैम्पू रिकमेंड करने जा रही हूँ वो भी अगेन इसी ब्रांड का है और वो कहलाता है एक्टिवेटेड चारकोल क्लिंजिंग शैम्पू। ये आपकी स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लिंज करता है, नरिश करता है। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, बहुत इची है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि है इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर, राइस वाटर के बहुत बेनिफिट्स हैं आपके बालों के लिए। मेंथॉल की वजह से ये बहुत ही मीठी मीठी ठंडी ठंडी सेंट करता है, आपकी स्कैल्प को जो है वो सूद करता है, काम करता है और बहुत ही फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। बाकी शैम्पू लगाने का तरीका तो आपको आता ही होगा कि थोड़ा सा शैम्पू लेना है, स्कैल्प पे लगाना है, मतलब बालों में लगाना है, हल्का हल्का झाग बनेगा एंड फिर उसको धो देना है। लेकिन अगर आपकी झाग नहीं बन रही है या आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो आपने कप लेना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको अपने सर पे लगा लेना है, तो बहुत झाग बनती है और आपके बाल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शैम्पू मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, चाहे जितने भी नेचुरल या ऑर्गेनिक ब्रांड्स के जो शैम्पूज होते हैं वो आपको मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ, वो इसीलिए कि अगर आप बाल बहुत ज्यादा डाई शाई करते हो तो उसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, वो शाइन शून जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन इससे जो है ना वो शाइन शून जो है ना वो वापस आ रही है। मेरे बालों में अभी भी थोड़े थोड़े गीले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लिप में दिखा रही हूँ कि मेरे बालों में कितनी शाइन है अभी, ठीक है ना। तो टोटली रिकमेंड मिरेकल ग्लो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नीचे मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। मेरे ख्याल से मेरी तमाम बहनों को बहुत फायदा होगा इससे, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ही अनइवन स्किन टोन है, जिनके डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से अलग कलर, ऊपर से अलग कलर, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूज करो, ठीक है। फीडबैक जो है ना वो मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, जब इतने प्यारे 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 मैसेजेस आप लोग करते हो ना तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ऐवें ही अंदाजे लगा रही हूँ मैं, लेकिन अगर पसंद आई तो मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड फिर से एक बार ईद मुबारक और ढेर सारी खुशियाँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।